नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के दावों को लेकर शरद पवार और अजीत पवार की गुट की याचिका पर चुनाव आयोग सोमवार को फिर सुनवाई करने वाला है। एनसीपी का बॉस कौन होगा और घड़ी चुनाव चिन्ह पर किसका अधिकार होगा, 20 नवंबर से फिर सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले 2 नवंबर को हुई सुनवाई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के गुट की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। अजीत पवार और शरद पवार गुट ने सुनवाई के दौरान अलग अलग दावा किया था। अब सोमवार से दोबारा सुनवाई शुरू होने वाली है। उसके लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली जाएंगे। साथ ही दिल्ली में शरद पवार गुट की बैठक भी होने की संभावना है। बता दें कि पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अजीत पवार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में अजीत पवार शामिल हो गए थे। इसके बाद अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोकते हुए चुनाव आयोग में याचिका दायर की थी। भतीजे अजीत पवार के दावे का चाचा शरद पवार ने चुनाव आयोग में कड़ा विरोध किया था। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था क्योंकि अजीत पवार गुट की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका और दावे में कहा गया था कि अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि 2 नवंबर को चुनाव आयोग के सामने सुनवाई हुई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 घंटे तक बहस की। इसमें उन्होंने अजीत पवार गुट पर कई गंभीर आरोप लगाए। बहस करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अजीत पवार गुट की ओर से झूठा हलफनामा दाखिल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मृत व्यक्तियों के नाम से शपथ पत्र दिए गए हैं। सिंघवी ने नाबालिग बच्चों के हलफनामे दाखिल करने का भी दावा किया। उन्होंने दलील दी कि अजीत पवार को कोई समर्थन नहीं है। इस बीच अजीत पवार गुट ने मांग की कि सुनवाई लगातार होनी चाहिए, इसीलिए संभावना है कि 20 नवंबर से लगातार सुनवाई होगी। सांसद सुनील तटकरे ने कहा था कि हम सुनवाई में कुछ तकनीकी बातें आयोग के सामने लाने वाले हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या फैसला लेता है और किसको पार्टी का अधिकार मिलता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।